रन रन रन, थोड़ी आहिस्ता चलाओ ना। उस दिन मैं और मैट गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, मैं ड्राइवर बना हुआ था। रुन रुन, ऐसा चलाओ। पुरानी गाड़ियाँ अच्छी नहीं लगती, तुम देखना मैं बड़ा होकर नई गाड़ी लूंगा, ये बहुत पुरानी है। मैं बड़े होकर यही गाड़ी लूंगा, मुझे पुरानी कार बहुत पसंद है। मगर ये तो बहुत ही पुरानी है, बहुत पुरानी। तो क्या हुआ, मुझे पुरानी गाड़ी पसंद है। वो देखो कैटो आई है, आजो अंदर मिलकर एंजॉय करते हैं। इसे भी मेरी तरह पुरानी गाड़ियाँ पसंद नहीं है जान, न्यू होती तो शायद आ जाती। चलो आजो जल्दी से अंदर। अच्छा तो कैटो बताओ कहाँ लेकर चलूँ तुम्हें। कैटो अगर तुम चाहो तो तुम भी गाड़ी चला सकती हो। जान मैंने पहले भी कहा था ना, शायद इसे भी पुरानी गाड़ियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। जान। बाबा जानी। तैयार हो बेटा, चलो चलते हैं दुकान पर। अल्लाह हाफिज तारिक अंकल। अल्लाह हाफिज मैर्थ, आ जाओ बेटा। अल्लाह हाफिज मैर्थ। अल्लाह हाफिज। इस हफ्ते भी फलों की कीमतें नहीं बढ़ी हैं। ग्रीन चेरीज की कीमतें क्या अभी नहीं बढ़ी? अरे खादिम, नहीं बढ़ी हैं कीमतें। तुम ये बताओ कि मार्केट कब जा रहे हो टमाटर लेने के लिए? थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। चलो ठीक है, जल्दी से जाओ और आते हुए मिर्चें भी लेते आना, क्योंकि दुकान से वो खत्म हो गई हैं। जान तुमने वो चिड़िया का बच्चा देखा है क्या? तुम चाहो तो उसको भी कुछ खिला सकते हो। तुमने कभी खिलाया है क्या? जी बिल्कुल, तोमो को भी खिलाता हूँ, टाइगर को भी खिलाता हूँ और कैटो को भी। शाबाश, मैं तुम्हें कुछ खाने की चीजें लाकर देता हूँ, तुम इनको खिलाओ, ठीक है? कैटो, कैटो। बेटा खैरियत तो है? बाबा जानी, कैटो गैराज में ही रह गई है। क्या कह रहे हो बेटा, मैंने गैराज में देखा था, वहाँ पर कोई कैटो नहीं थी। वो वहीं पे थी बाबा जानी, गैराज में, गाड़ी के अंदर। क्या गाड़ी में थी? सुबह जब हम गैराज में खेल रहे थे ना, तब कैटो वहाँ पर आई थी, जब मैं आपके साथ चला गया था। अच्छा तो फिर? तो कैटो गाड़ी के अंदर थी, वहीं पर रह गई वो अकेली। अम्मी फोन नहीं उठा रही। तुम ऐसा करो, खादिम भाई के साथ घर चले जाओ, ठीक है बेटा? चलो जान, अब हम अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं। खादिम अंकल जरा जल्दी करिएगा। ठीक है जान। क्या हुआ? टायर पंचर। उफ। हाँ, टायर पंचर हो गया। उफ। बहुत बड़ा कील आ गया है टायर के नीचे। कितनी देर लगेगी ठीक होने में? बस थोड़ी देर और, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ये अभी ठीक हो जाएगा। जल्दी करे खादिम अंकल, केटो वहाँ अकेली होगी। तुम फिक्र मत करो, हम वक्त पर पहुँच जाएंगे। देखो कैटो, मैं आ गया। हाँ? कैटो कहाँ चली गई? कैटो गाड़ी में नहीं थी, गाड़ी के नीचे भी नहीं थी वो। मैंने पीछे देखा तो मैर्स आ गया था। मैंने उससे पूछा कि कैटो का पता है कहाँ पर है, लेकिन उसे भी नहीं पता था वो कहाँ पर गई। आखिर कैटो गई कहाँ पर? गाड़ी का दरवाजा खोलकर चली गई। वो तो शुक्र है गाड़ी पुरानी थी, नहीं तो वो भी ले जाती। कैटो, कैटो बाहर आओ, हम तुम्हें नई कार ले देंगे।
प्यारी केटो, कहाँ पर हो तुम? केटो सामने आ जाओ। हाँ, केटो का कुछ पता नहीं चल रहा था। मैथ और मैं हर जगह ढूंढ रहे थे। तारिक अंकल की गाड़ी कहाँ पर है? अभी थोड़ी देर पहले देखी तो है घर के बाहर। मतलब गाड़ी नहीं लेकर गई वो। मैथ, केटो भला गाड़ी कैसे चला सकती है? मुझे कमाल अंकल के पास ले चलो। हाँ, मुझे 2005 और उससे पहले की सारी पुरानी गाड़ियों की नंबर लिस्ट चाहिए। तब मुझे एक आवाज सुनाई दी। हाँ, क्या हुआ जान? केटो यहाँ पर है। हाँ, नहीं गई। मैं जाकर कमाल अंकल को बताता हूँ। क्या बताना है? कि गाड़ियों की नंबर लिस्ट नहीं चाहिए, हमें केटो मिल गई है। ओ, तो तुम लोग हो? फरहान अंकल, आप? हाँ, बताओ क्या हुआ? केटो को आपने अगवा किया था क्या? क्या हो गया तुम लोगों को? एक तो भलाई करो, दूसरा इल्जाम सहो। हाँ, वैसे कितना गलत हुआ था केटो के साथ, वो गैराज में गाड़ी के अंदर थी। जब हम लोग गैराज में केटो को भूल गए थे, तो कुछ देर बाद फरहान अंकल गैराज के बाहर से गुजर रहे थे। उन्होंने केटो की आवाज सुन ली और फिर उन्होंने केटो को अंदर जाकर निकाल लिया और उसके बाद उन्होंने उसको दूध भी पिलाया और हमें थोड़ा सा डांटा भी। उन्होंने ठीक ही किया, वैसे हमारी गलती थी, केटो को गाड़ी में भूल गए, अच्छा नहीं किया। हमें ध्यान रखना चाहिए था उसका भी। और पता है, कैट को फरहान अंकल इतने पसंद आए कि अब केटो उनके घर में ही रहती है। बाद में क्या हुआ वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी इस बुक में बहुत से पेजेस बाकी हैं।